फिर नजर आया खाट पर सिस्टम। जी हां, बीमार व्यक्ति को खाट पर लेकर नाला पार कराया गया। मरीज को ग्रामीणों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। 1 किलोमीटर तक मरीज को खाट पर लेकर ग्रामीण चलने के लिए मजबूर हुए। पुलिया नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान नजर आए। मरीज को प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर एक बार फिर नजर आया खाट पर सिस्टम, क्योंकि बीमार व्यक्ति जिसे एम्बुलेंस तक खाट पर लिटाकर नदी को पार कराने की कोशिश की गई, यहां पर पुल का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाया है और उसके चलते ग्रामीणों को हर बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुंगेली में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जिले में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उधर एक दिन ही हुई बारिश के बाद पूरे जिले में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो खबर मुंगेली से है, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जिले में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उधर एक दिन ही हुई बारिश के बाद पूरे जिले में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। धमतरी में भारी बारिश का कहर जारी है, जहां महिमा सागर वार्ड में कच्चा मकान गिर गया। लगातार बारिश से गिरा कच्चा मकान, पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। धमतरी में भारी बारिश का कहर जारी है। महिमा सागर वार्ड में कच्चा मकान गिर गया। लगातार बारिश से गिरा कच्चा मकान, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और ये देखिए तस्वीरें भी, जब ये कच्चा मकान बारिश के चलते गिर पड़ा। हाय कसम, वहीं धमतरी के तेलन सत्ती गांव में भारी बारिश की वजह से यहां के स्कूल में पानी भर गया। गांव के प्राथमिक शाला के सभी क्लासरूम में पानी भर जाने की वजह से स्कूल पहुंचे छात्र वापस लौट गए। गौरतलब है कि धमतरी जिले में लगातार जारी बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की आशंका जताई है। बालोद में सोमवार की रात एक हादसे में कार सवार 6 लोग डूबने से बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी कार नाले में बह गई। घटना बालोद थाना क्षेत्र की है। दुर्ग जिले के धनोरा गांव के रहने वाले 6 लोग कार से बालोद के बरही गांव आए थे। लौटते वक्त सांकरा गांव के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगे और इस दौरान कार तेज धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि सभी लोग समय रहते कार से बाहर निकल गए, लेकिन उनकी कार पानी में बह गई। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को प्रोजेक्ट वन ट्री के लिए बधाई दी गई। उन्होंने नेटवर्क टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे सफल होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जो उस इलाके में मौसम के हिसाब से फिट बैठते हों और पहले भी लगते रहे हों। सराहना करता हूं न्यूज 18 की कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और दूसरा एक ऐसा इन्होंने स्लोगन पकड़ा है जो कि बड़ा डूएबल है। एक पौधा लगाना है, कोई लगा देगा, कहीं लगा देगा, कोई मेहनत नहीं है, तो ये बड़ा डूएबल है। नहीं, तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा तो वो ये है कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जो वहाँ के लोकल हों, वहीं पर उगते हों, पहले भी उगते रहे हों, आज भी उगते रहें। जो आप लोग करने जा रहे हैं ना, इसमें ध्यान रखें। मेरी आपके लिए शुभकामनाएँ हैं, आपके लिए बधाई है और हमारे साधुवाद है, और आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। और चलिए अब देखेंगे 20